हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ऑफ स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मतलब कुछ बातें लेकर के आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आया हूँ और कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये PNP और सरकार की दोस्तों क्या ऐसी चाल चल रही है, क्या स्टूडेंट के साथ में कैसे खिलवाड़ हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आई होप कि दोस्तों आपको चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हटके होगा जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आई होप गाइस जितने भी लोग वीडियो को देखें वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों के एक यूज़फुल वीडियो शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ ये उन सब के लिए है जिनका दोस्तों UPTET क्लियर हुआ या UPTET क्लियर नहीं हुआ, दोनों के बारे में मैं इस पर बात करूँगा। तो सिंपली मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि PNP और सरकार की दोस्तों एक ऐसी चाल जो स्टूडेंट के साथ चली जा रही है। पहले तो दोस्तों इनका क्या होता है कि अभी जैसे कि 6 जनवरी को एग्ज़ाम आपको पता सुपर टेट होने वाला है, उसकी ये जोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। पूरा दोस्तों इन्होंने जोर लगा दिया है कि तैयारी हम लोग जब बस एग्ज़ाम करा देंगे, 31 तक इन्होंने सोच लिया कि हम जो एडमिट कार्ड है उसको भी अपलोड कर देंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये अन्याय हो रहा है। अन्याय का मतलब मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कल को सुपर टेट का एग्ज़ाम 6 जनवरी को अगर ये कराएंगे, ठीक है, 6 जनवरी को एग्ज़ाम में अगर फिर से ये जो संसद 150 क्वेश्चन ठीक से नहीं बना सकती, वो बार बार UPTET सुपर टेट कराने वाली है, फिर सुपर टेट में अगर 150 क्वेश्चन इन्होंने बनाएंगे और उसमें से जो जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर उसमें से 10 क्वेश्चन दोबारा इन्होंने गलत डाल दिए, क्या फिर दोबारा से ये सब कुछ होता रहेगा? क्या ये सब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? उन स्टूडेंट के बारे में आप सोचिए जो रात रात भर जग के मतलब पढ़ाई करते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो सोचते हैं कि हम कल को कुछ बन जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, लेकिन कोई मैटर ही नहीं करता। इन्होंने सिर्फ 10 क्वेश्चन गलत दे दिए, अगर कोर्ट जाएंगे, लोगों ने अपने पैसे खर्च किए, हजारों लाखों रुपये खर्च करने के बाद 4-4 हज़ार रुपये याची बने, उसके बाद जाकर के उन्होंने कोर्ट को पैसे दिए, फिर भी उन्हें सिर्फ 3 नंबर दिए गए, तो क्या ये गलत नहीं है? आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही बनाया जा रहा है? अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी आने वाली बातों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो कुछ पॉइंट हैं दोस्तों जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। टोटल वैकेंसी आपको पता 69,000 है, ठीक है। शिक्षा मित्रों के लिए दोस्तों इन्होंने पहले से 49,000 फिक्स कर रखा है, तो बचा कितना दोस्तों 20,000 इन्होंने फिक्स किया हुआ है। 20,000 फिक्स करने के बाद 20,000 फिक्स किया है तो उसमें दोस्तों कोई कट ऑफ भी नहीं रखी है। अगर ये कट ऑफ रख देते तो सिर्फ उन्हीं उसी मतलब कि उसी लोग आते जिनका दोस्तों क्वालिफाई होता है या कट ऑफ के लिए एलिजिबल होते। अब कट ऑफ नहीं रखा तो सारे एक साथ हो गए, तो कहने का मतलब है इतने सारे लोग उसमें से 20,000 लोगों के साथ दोस्तों सिर्फ 20,000 वैकेंसी इन्होंने रखनी है। और 20,000 में आपको बताया कि कुछ 15 लाख देने वाले होंगे, कुछ 20 लाख देने वाले होंगे, उनको नौकरियाँ मिल जाएंगी। तो PNP और सरकार की दोस्तों बहुत गंदी चाल है जो चली जा रही है, स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ ये किसी को जॉब नहीं देने वाले, सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में कोई संस्था ऐसी है जिसका इंडिया के अंदर जो कि 10 सब्जेक्ट दे दे आपको कि चलो तैयारी करके आ जाओ, कहाँ का न्याय हो रहा है? ये न्याय नहीं हो रहा, एक तरीके से बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों अब आप लोग सोचे होंगे कि मैं आप लोगों को ये बातें क्यों समझा रहा हूँ, PNP और सरकार के बारे में ऐसी नीतियों के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। दोस्तों 3 तारीख को हमारे साथ आएँ, 3 तारीख को जो जैसा कि आपको पता है इलाहाबाद बेंच में दोस्तों डेट लगी हुई है इसको लेकर, तो इस भर्ती पर दोस्तों की इस भर्ती के ऊपर मतलब कि न्याय लिया जाए। हम ये नहीं चाहते कि पेपर ना हो, हम ये नहीं चाहते कि आप लोगों को भर्ती ना किया जाए, हमारा कोई ये मोटिव नहीं है कि आपको नौकरी ना मिले, हम चाहते हैं सबको नौकरी मिले। लेकिन दोस्तों जो संस्था 150 क्वेश्चन नहीं बना सकती, जो संस्था 150 क्वेश्चन गलती करने के बाद अपनी गलती को नहीं मान सकती, वो आगे आने वाले दिनों में इसकी क्या गारंटी है सुपर टेट में क्वेश्चन लाएगी, क्वेश्चन सही होंगे और गलत होंगे तो उनको मानेगी भी नहीं, फिर आप लोग क्या कर लेंगे? तो कहने की जो बात है ना, सिंपली मैं आप लोगों से आज रिक्वेस्ट करने आया हूँ। दोस्तों जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ गाइस बातों को समझिए, पूरी जो वीडियो मैंने आपको समझाया है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, किसी के लिए भड़का नहीं रहा, मुझे कोई मैटर नहीं है, मैं आप लोगों को इतना बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें दोस्तों, क्योंकि अभी जब सुपर टेट आपका आने वाला है दोबारा से ऐसी गलतियाँ कर देंगे, 10 दिन के अंदर कहाँ से पेपर बनाएंगे? इन्होंने पेपर बनाने, एग्ज़ाम सेट में अलॉटमेंट करने, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड के लिए भी दे दिया, एक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, फिर ये फिर वो, 6 तारीख को आप लोग पेपर देने भी आ जाओ, कितनी कितनी दूर किसी का सेंटर होगा। तो कहने का मतलब है सिंपली दोस्तों खिलवाड़ हुआ स्टूडेंट के भविष्य के साथ में।
अगर आप बातों को समझते हैं, अगर आप हमारे साथ अग्री हैं, तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 3 तारीख को जो डेट लगी हुई है इलाहाबाद बेंच में, डबल बेंच में डेट लगाई गई है, आप लोग दोस्तों जरूर आएँ। और इस दोस्तों पीएनबी और सरकार के अगेंस्ट हमें जाना होगा, कुछ नहीं करते, पीएनबी को चेंज करो। जो जो संस्था 150 नहीं बना सकती, वो क्या बच्चों का भविष्य डिसाइड करेगी? तो इसलिए दोस्तों इसके अगेंस्ट हमें खड़ा होना पड़ेगा, इस लड़ाई में आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। सो गाइस जितने भी लोग अग्री करते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।